नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी कवरेज, एक्सक्लूसिव एनालिसिस और तमाम जानकारियां आपको हम अब यूपी तक पर किसका यूपी में बताते रहेंगे, जहां आपको मिलेगी चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें। इसके साथ ही हम रोज आपको आके बताते रहेंगे या आखिर यूपी किसका। आज बात करेंगे AIIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जो पहुंचे उत्तर प्रदेश की सरजमी पे। यहां उन्होंने पहले लखनऊ पहुंचकर सुहेलदेव पार्टी के चीफ ओपी राजभर के साथ में मुलाकात की, इसके बाद में प्रेस को संबोधित किया और उसके बाद वो पहुंचे बहराइच, जहां उन्होंने AIIMIM के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय के जरिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में AIIMIM 27 सीटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, जहां पर उसके प्रत्याशी लड़ेंगे। और इसके साथ ही खुद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की भी तैयारी है कि वो बहराइच से चुनाव में मैदान में उतरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां AIIMIM अपनी पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं कोई बड़ा विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में नहीं उतरता दिखाई दे रहा। विपक्षियों का ये मानना है कि AIIMIM की एंट्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिहाज से है और असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा तबका खास तौर पर यहाँ बीजेपी को खास फायदा पहुंचाएगा। इसके कई सियासी समीकरण बनते हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि खुद AIIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बात को नकार चुके हैं। उनका मानना है कि जहां जहां उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो और खासतौर पर बिहार में जहां उनकी सीटें भी निकली, वहां उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया कि उनकी नाकामयाबी का पूरा ठीकरा विपक्ष उनके ऊपर फोड़ने की कवायद में है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि एक तबका ऐसा भी है मुस्लिम समुदाय में जो शायद इस बात को समझता है, और ऐसे में बड़ी पार्टियां यहां पर AIIMIM के साथ इस गठबंधन में आने से बचती नजर आ रही हैं। इसके कई दूसरे मायने भी इस लिहाज से देखे जा रहे हैं, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके असदुद्दीन ओवैसी, ओपी राजभर और तमाम उन दलों को साथ करने की कवायद है जो ना तो समाजवादी पार्टी के खेमे में जाना चाहते हैं और जो बीजेपी के सहयोगी दल भी नहीं हो सकते। बस बहुजन समाज पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 2022 के चुनाव में अकेली जाएगी। ऐसे में भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि ओपी राजभर भी यूपी की उन तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है, वो बड़े दलों को खास तौर पर उनसे किनारा करने की ओर इशारा कर रहा है। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि AIIMIM के साथ में कोई गठबंधन यूपी में नहीं होगा और वो बीजेपी को सीधी टक्कर देंगी 2022 के चुनाव में। अब असदुद्दीन ओवैसी का ना सिर्फ बहराइच पहुंचना, यहाँ कैंप कार्यालय का उद्घाटन करना, बल्कि एक खास तौर पर वो दरगाह भी पहुंचते हैं, जहां पर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहराइच जैसी सीट पर पहुंच के, जो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, वहां वो सुहेलदेव पार्टी के साथ में एक सामंजस्य बनाते हुए अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं। हालांकि सीटों के मामले में अभी ये तय नहीं है कि इस गठबंधन में AIIMIM की कितनी सीटें होंगी और भागीदारी संकल्प मोर्चा में सुहेलदेव पार्टी की कितनी सीटें होंगी। इसको लेकर के दोनों पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया कि अभी इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन फिलहाल उनका पूरा जो नजरिया है उत्तर प्रदेश में इस संगठन को खड़ा करना है। और बाकी दलों को, जहां राजभर बताते हैं कि 10 दलों का साथ उनके साथ है, उनको एक साथ करना है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भागीदारी संकल्प मोर्चा की भूमिका कितनी प्रबल होती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ में बड़े दल यहाँ पर गठबंधन करने से बचते नजर आते हैं, जिन्हें डर है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से मुस्लिम समुदाय के वोटों का बिखराव होगा और जो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, जिससे कोई भी दल अपने आप को AIIMIM से जोड़ने से बचता नजर आता है। अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।